देश भर में पेट्रोल और डीजल की दामों में आग लगी हुई है। आम आदमी इस महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सोमवार को तेल की कीमतें लगातार चार दिनों तक बढ़ने के बाद स्थिर रहीं। लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। चुनाव वोट राजनीति से पहले आती है। जनता की साधारण जरूरतें जो आज पूरी नहीं हो पा रही। राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जनता को धोखा दिया जा रहा है। मैं उस जनता के साथ हूं और उनकी आवाज उठाता रहूंगा, राहुल गांधी ने कहा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अपने ताजा ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि यह सभी के लिए विनाश और बढ़ती कीमतों का विकास है। बता दें, सोमवार को देश में तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.84 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 111.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल की दरें भी 102.52 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहीं, जबकि दिल्ली में रविवार की तरह ही इसकी कीमत 94.57 रुपए है। यह ठहराव लगातार चार दिनों तक बढ़ने के बाद आया है, जहां पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 1.40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 दिनों में से 19 दिनों में डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। डीजल की कीमत तेजी से बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में ईंधन अब 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक पर मिल रहा है। यह अंतर पहले पेट्रोल के लिए था, जो कुछ महीने पहले देश भर में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया था। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते अपने पंप की कीमतें बढ़ा दी और इस हफ्ते उत्पाद की कीमतों में तेजी आई। आईएनएस रिपोर्ट।